हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल। और आज का ये वीडियो है दिल्ली यूनिवर्सिटी के रिक्रूटमेंट के बारे में। और दोस्तों, ये जो रिक्रूटमेंट चल रही है ये नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए चल रही है। और ये नॉन टीचिंग स्टाफ की जो रिक्रूटमेंट है ये कौन से कॉलेज में होगी और ये किन पदों पर की जाएगी, ये मैं सब इस वीडियो में बताने वाला हूँ और उसके लिए कैसे अप्लाई करना है। तो यदि आप चैनल पे पहली बार देख रहे हैं तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उसे क्लिक कीजिएगा। और यदि आप सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए शुरू करते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो रिक्रूटमेंट की जा रही है वो नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए की जा रही है और इस पर जो नियुक्तियां हैं वो 12 पदों के लिए है। और उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन के बाद उसका प्रिंट आउट पते पर भेजना है। और दोस्तों, इसमें जो योग्यता चाहिए, यदि आप 10वीं कक्षा पास है या 12वीं कक्षा पास है या आप डिप्लोमा है आपके पास कंप्यूटर या अकाउंट्स में, या आप ग्रेजुएट हैं, या आप बिलीव हैं, या पोस्ट ग्रेजुएट हैं, तो आप अलग अलग कैटेगरी में नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो मैक्सिमम आयु है वो पदों के अनुसार अलग अलग है। इसमें 27 से 35 वर्ष तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं। कैटेगरी वाइज 27 वर्ष भी है मैक्सिमम आयु और 35 वर्ष भी है। इसमें जो आपको ऑनलाइन आवेदन करना है, और ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको भारती कॉलेज की जो वेबसाइट है वो है www.bharaticolleg.org। आप इस वेबसाइट पर जाएंगे, पूरा नोटिफिकेशन पढ़िएगा, ऑनलाइन अप्लाई कीजिएगा, उनको तय पते पर भेजिएगा जो पता उसमें दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नए वीडियोज में। तब तक के लिए दोस्तों, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, सी यू।